शाहरुख खान पहले एक्शन फिल्म करेंगे या रोमांटिक, और किस किस डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं? शाहरुख खान को टोटल एक्टर क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनिया दीवानी है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले शाहरुख खान ने हम सभी को कई रोमांटिक फिल्में दी है। किंग ऑफ रोमांस कहलाने वाले शाहरुख खान ने बॉलीवुड की अलग अलग फ्लेवर वाली फिल्मों में काम किया है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डॉन हो या रोबोट, सब कुछ शाहरुख खान अच्छे से कर लेते हैं। एक इंसान जो बाहर से अपने सपने लेकर आया था और बॉलीवुड में आकर अपनी मेहनत के बलबूते पर छा गया, शाहरुख खान वही स्टार है जिन्होंने दर्शकों को सिनेमा से प्यार करना सिखाया। लड़कियों के लिए शाहरुख एक आइडियल बॉयफ्रेंड है। बॉलीवुड में अपने किरदारों के साथ हमेशा से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे शाहरुख खान आने वाले समय में भी कुछ अलग रोल्स में नजर आने वाले हैं। इन दिनों हर कोई शाहरुख खान की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है। आखिरी बार वो 2018 में आई फिल्म जीरो में दिखाई दिए थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ आलिया भट्ट होंगी। फिल्म के टाइटल के बारे में जानकारी अभी नहीं है। वहीं सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्म वॉर थी, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर नजर आए थे, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान मचाया था, इस बात से तो आप सभी रूबरू हैं। सिद्धार्थ आनंद तो शूटिंग की रेकी भी करने जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको रुकना पड़ा। तो जाहिर है कि इस लॉकडाउन के बाद जल्द ही आपको शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म की न्यूज मिलने वाली है। शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी पर दांव लगाना मुनासिब समझा है। जी हाँ, हिरानी का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, अब तक कोई फ्लॉप फिल्म उन्होंने नहीं दी है। उनकी फिल्म क्रिटिक्स को भी पसंद आती है और दर्शकों को तो बहुत ज्यादा। थ्री इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज उन्होंने ही दी है। हालांकि इसकी चर्चाएं तो काफी दिनों से चल रही थी। जी हाँ, शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। ये फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है, ये भी सुनने को मिला। इस खबर को सुनकर शाहरुख खान के वो फैंस खुशी से उछल पड़ने वाले हैं जो लंबे वक्त से एक्टर की अगली फिल्म के इंतजार में बैठे थे, यानी शाहरुख खान को पर्दे पर देखने के इंतजार में बैठे थे। लेकिन इस कोरोना के कारण अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, पर ये तय है कि शाहरुख खान की ये दो फिल्म पक्की हो गई हैं और आपको जल्द ही शाहरुख खान स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों को लेकर, और आप क्या चाहते हैं? मतलब आप शाहरुख खान को काफी टाइम हो गया है जैसे उन्हें फिल्म किए हुए, तो उनको रोमांटिक किरदार में देखना चाहते हैं या एक्शन, या कैसा किरदार आप उनका देखना पसंद करेंगे आने वाली मूवी में? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।